Academy Conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for gate till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for gate till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार सर लोग जरा देख लेंगे, ऑडियो एंड वीडियो आर परफेक्ट। एक बार सर लोग जरा देख के मेरे को बता देंगे, सब क्लियर है? वेरी गुड, ऑल क्लियर। यस यस, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, सुपर। तो यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे। यस, आगे सर लोग,
सारे लोग आ गए, यस इन्फॉर्म कर देंगे सो दैट सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे सेशन को, है ना, सारे लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे सो दैट मैक्सिमम लोगों तक बात एटलीस्ट अपनी पहुँच जाए। ठीक ठीक ठीक, चलो तो हम लोग जो यहाँ पे बात करेंगे उसकी बात करने वाले हैं हम लोग एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी की, जिसमें हम लोग पार्ट ए की बात करेंगे, फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने बात कर ली थी ट्यूनिंग की, ट्यूनिंग में आप लोगों ने बात की थी, आप लोगों ने ट्यूनिंग में जिगलर निकोलस की बात कर ली थी, आपने ट्यूनिंग जो दूसरा मेथड पढ़ा था वो आप लोगों ने पढ़ा था कोन एंड कून, जो थर्ड वन आपने पढ़ा था बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये तीन मेथड के साथ आपने कंट्रोलर को ट्यून कर लिया था। अब आज हम लोग बात करेंगे अब थोड़ा कंट्रोलर को और एडवांस कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी की हम लोग बात करेंगे, जिसमें दो स्ट्रेटजी आप लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट फीड फॉरवर्ड कंट्रोल स्ट्रेटजी वन, दूसरी आप कल मंडे को पढ़ेंगे दैट इज द कैस्केडिंग। ठीक है, कैस्केडिंग आपका लास्ट पार्ट होगा एडवांस का और आईपीसी का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, चलो तो मंडे को आपका खत्म हो जाएगा, सिर्फ दो एडवांस टेक्निक्स और बची हुई हैं, आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे फीड फॉरवर्ड और एक मंडे को कवर कर लेंगे हम लोग कैस्केडिंग। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ से जस्ट स्टार्ट करता हूँ सेशन को। तो जो अपने न्यू विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। तो आई एम मनीष राजपूत एंड दिस इज द माई एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट इज यू कैन सी हियर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, एंड फाइव टाइम्स गेट क्वालिफाइड एक्स एक्सपीरियंस इन द HPCL बैंगलोर इन 2019, सिलेक्टेड इन द HURL इन 2021, MTech फ्रॉम IIT गुवाहाटी एंड फाइव प्लस ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। इफ यू विल टॉक अबाउट द माई सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आप लोग देख रहे होंगे जैसे मास ट्रांसफर ऑपरेशन से सारे लोग ऑलमोस्ट अवेयर तो होंगे ही। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल से भी सारे लोग अवेयर हो चुके हैं, सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स से काफ़ी लोग अवेयर होंगे, कुछ लोग नहीं अवेयर हैं तो उनकी बात कर ली जाएगी। हीट ट्रांसफर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, ये आपको नेक्स्ट सेशन या आपको आने वाले टाइम पे आपको देखने को सब्जेक्ट मिल सकते हैं। एंड दिस द माई कोड, यू कैन यूज दिस कोड ड्यूरेशन ऑफ द ज्वाइनिंग द प्लस कोर्स और आइकोनिक कोर्स, आप लोग इस कोड के साथ मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कोड है, ठीक है, MR100, आप लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ से मूव कर सकते हैं। एंड अभी जो करंट में ऑफर चल रहे हैं, आज लास्ट डेट भी अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, ऑफर की। तो जब कभी भी आपको नीट पड़ती है तो आप लोग एक फैकल्टी कोड के साथ प्रॉपर तरीके से मूव कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग प्रॉपर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं प्लस वाली जर्नी को। चलो, इनकेस आप प्लस ज्वाइन करते हैं, जो भी पूरी आपको मैं बताता हूँ जो भी स्टोरी है प्लस की और प्लस में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो इनकेस आप प्लस ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को सबसे पहला एक प्रॉपर मैनर से चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, जिसमें आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं, ठीक है, रेगुलर असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, आपका एवरी संडे को टेस्ट होता है, इस संडे को मास ट्रांसफर का टेस्ट है, जैसे मास ट्रांसफर आपका चल रहा है तो आप देखना इस संडे को आपका टेस्ट पहले से ही ऑर्गेनाइज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इस डेट को ये टेस्ट होगा, इस डेट को ये सब्जेक्ट होगा, इस डेट को ये टॉपिक होगा। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन इस टाइम पे होगा, तो पूरा एक प्रॉपर तरीके से प्री डिफाइंड रहता है। ऐसा नहीं है कि सर अगले वाला टॉपिक क्या आने वाला है, तो आप प्रॉपर तरीके से सारा टॉपिक डिफाइन रहता है, टाइमिंग डिफाइन रहती है, ईच एंड एवरीथिंग सबको डिफाइन रहता है, टेस्ट पेपर की टाइमिंग अलग रहती है पूरा सेशन का। मास ट्रांसफर के आप लोग देखिएगा, 4 से 5 मैं टेस्ट लूंगा पूरे मास ट्रांसफर में, और अलग से तो लूंगा ही, जो लोग वो खुद अपना बैठ के बिल्कुल एग्जाम की तरीके से जो अपना प्रिपरेशन करेंगे उस तरीके से आप लोगों को टेस्ट मिलेगा। तो प्लस के बहुत सारे एडवांटेज है जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि इन केस आप लोग को प्रॉपर तरीके से सीरियस तरीके से जर्नी स्टार्ट करनी है तो प्लस के साथ मूव करो। ठीक है, यहाँ पे लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिलेंगे, हिंदी अभी हमारी टीम से आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड जस्ट मैं बात करूंगा आइकोनिक, यस आइकोनिक क्या है कि इन केस आप लोग अफोर्ड कर पा रहे हो, थोड़ी इसकी फीस ज्यादा है, आपको लगता है कि हाँ चलो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं आइकोनिक ले सकता हूँ, क्योंकि यार पढ़ाई वाला मैटर है तो इसमें हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनल टेस्ट एंड आपको यहाँ पे मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, चलो इसके बाद जस्ट मैं बोलूँ कि अभी ये जो ऑफर आ रहा है इसका सारे लोग फायदा उठा सकते हैं। तो जिनको भी जो भी अभी खासकर थर्ड ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको लगता है कि यार भाई बात यूट्यूब से नहीं बन पा रही है, मुझे प्लस लेने की नीड है, एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे लाइव बार उसका आपको रिटर्न मिलेगा, तो आपको लगता है कि आप प्लस एक बार ज्वाइन करके आप लोगों को बेनिफिट होगा तो आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। यस, आपके पास जो ऑफर की जो यहाँ पे यस चांसेस हैं वो क्या क्या है, अभी तक देखो 6 मंथ का इंक्लूडेड नहीं था यहाँ पे, ठीक है, अब ये इंक्लूड कर दिया गया है 6 मंथ का, 12 मंथ का, 18 मंथ का, 24 मंथ का। और मैं आपको लिटरली बोलूँ ना, ठीक है ना, ऑनेस्टली रिव्यू दूँ, तो जो ये फीस आपकी लग रही है ना, आप लोग अभी ऑफलाइन वाला मैटर चलेगा तो ऑफलाइन में देखना आप लोग इसकी 3 टाइम्स लगेगी फीस। ठीक है, ऑफलाइन में और आप लोग देते भी होंगे, आपके अपने सीनियर वगैरह पूछना जाके, जब ऑफलाइन का मैटर चलता था ना तो ऑनलाइन अनअकैडमी जो आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। ठीक है, आप लोगों का मैं बताऊँ ना, बाहर रहोगे जाके हॉस्टल का खर्चा 50,000 रुपये एक महीने, एक साल का आ जाएगा।
ठीक है, 50 की आपको हॉस्टल रहने आने का सिर्फ खर्चा आ जाएगा, जो इंस्टीट्यूट की फीस होगी वो अलग होगी, ओके, है ना। आप लोगों ने बीटेक की तैयारी की होगी तो उसमें रहने का ही खर्चा आ जाता है, और रहने का खर्चा तो आ जाएगा, और वो भी उसमें भी बॉडी की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, ठीक है। जो अपना तो यंग एज है, अभी हम भी यंग है, आप लोग भी यंग है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कैसा भी खाना मिल जाए, कभी कभी समोसे से काम चला ले रहे हैं, कभी आपने एक टाइम खाना खा लिया तब भी काम चल जा रहा है, ठीक है। तो वो बात अलग है, जो बाहर लोग रहते हैं उनसे पूछो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है खाने की, क्योंकि मैं 11-12 साल से रह रहा हूँ बाहर, ठीक है, पूरी मैंने स्टूडेंट लाइफ वाली बाहर निकाल दी, ठीक है, कुछ दिन हॉस्टल में रहा, IIT में जाने के बाद हाँ मुझे थोड़ा अच्छा खाना मिला, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन IIT जाने से पहले बहुत सारे मैंने काम कर रखे हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है खाने की। तो मैं आपको बताऊँ, घर पर बैठो और पढ़ो, एक कोई प्लस कोर्स तो इतना तो इन्वेस्टमेंट कर ही लो यार, इतना तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, 21,000 के आसपास आपको कॉस्ट पड़ेगी, 6 महीने के साथ प्रॉपर तरीके से मूव कर सकते हैं, आपको लगता है कि हमारे साथ आपको काम करना है, ठीक है। तो आप लोग कोड याद कर लेना, MR100, यहां से आपको देखो जो करंट में जो डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा यहां से 10% का, ठीक है। इसके साथ साथ जो पर्सनल बॉन्डिंग और रिलेशनशिप वाली बात है वो अलग लेवल की रहेगी, तो आप यहां से मूव कर सकते हैं इस कोड के साथ, ठीक है। और यस, 10% का आपको और ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा आपको अनअकैडमी का, ये तो कोड यूज करेंगे तब, और 10% का ये अनअकैडमी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे इसमें 10% का और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो एक मतलब रीजनेबल प्राइस पे है, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आई नहीं। सर मैंने बाहर रह के देखा है, यस जयप्रकाश ने बाहर रह के, इसने मतलब हर गली के चने खाए हुए हैं, ठीक है, तो जयप्रकाश को आइडिया है, तो जो लोग बाहर रह के देखे हैं ना उनसे पूछो कि कितनी प्रॉब्लम होती है, मतलब चीज़ें, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है खाने की, और तो सब कुछ ठीक है, खाना नहीं अच्छा मिल पाता है, कितनी भी अच्छी चली जगह चले जाओ मेंटेन नहीं हो पाता है वो। यस, जो लोग बाहर रह रहे होंगे उनको पूछो भाई साहब कितना खर्चा हो जाता है एक साल में, तो ये इस समय आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये देखो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग अभी साइलेंसर ने स्टार्ट की है, तो आप लोग इसके साथ भी प्रॉपर तरीके से मूव कर सकते हैं। और इसके बाद एक और चल रहा है, ये एक सब्जेक्ट चल रहा है, दैट इज द मास ट्रांसफर ऑपरेशन, कल से आपका स्टार्ट हुआ है भैया डिस्टिलेशन, ठीक है, कल से स्टार्ट हुआ है आपका डिस्टिलेशन, राइट, कल से ग्रुप स्टार्ट हुआ है आपका डिस्टिलेशन। तो जिन लोगों को भी डिस्टिलेशन और मास ट्रांसफर और हमारे साथ आपको मूव करना है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली मास ट्रांसफर के साथ जा सकते हैं, कल से आपका स्टार्ट हुआ है डिस्टिलेशन, ठीक है। कल आपका बिल्कुल बेसिक वाला मैंने पार्ट कवर किया, रिफाइनरी में किस तरीके से डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है, सेंसिबल हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, इसी पे बहुत ढंग से हम लोगों ने चर्चा की, ठीक है, बिल्कुल लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट, हालांकि ये यूट्यूब में थोड़ा वाला पार्ट नहीं था, ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पे जाके इतनी चर्चा हुई ढंग से कि कभी भी बच्चे बोल रहे थे कि सर लेटेंट हीट और जो सेंसिबल हीट है ना जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, तो ऐसा कल आप लोगों का सेशन हुआ। तो ये हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक अभी टर्म की बात की थी आपका, यस रिफाइनरी की थोड़ी हमने बात की थी, डिस्टिलेशन को कैसे रिफाइनरी में यूज करते हैं वो सब हम लोगों ने बात की। तो एक बार आप लोग देखना, इनकेस कोई फ्रेंड वगैरह हो तो आप लोग उससे देख सकते हैं, आप लोगों को लेना है तो ले सकते हैं, यू कैन यूज माई कोड MR100, राइट। तो डिस्टिलेशन चल रहा है अभी आपका, चलेगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो इसको मैं ढंग से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ये चलेगा अभी आपका 8-10 लेक्चर कम से कम चलेगा। चलो आगे हम लोग बात करते हैं एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी की। सर IIT के हॉस्टल में खाना अच्छा मिलता है, ये सब दूर से प्रॉब्लम, यस IIT में चले जाओगे तो फिर ये समझ लो वहां पहुंच गए एक अलग दुनिया स्टार्ट हो जाएगी आपकी, IIT से जैसे बाहर आओगे आपको दुनिया अलग दिखेगी, ठीक है, यस। ये चीज सिर्फ IIT के अंदर रह के आप लोग फील करोगे, IIT के अंदर रहोगे जाके तो लगेगा कि भाई साहब क्या लाइफ है, ठीक है, सारे इंटेलेक्चुअल लोग बढ़िया, ठीक है, जो मैथ्स वाला होगा वो भी इंग्लिश में बात कर रहा होगा, हैं, और आपका जो गार्ड होगा वो भी इंग्लिश जान रहा होगा, तो और जो स्टूडेंट और जो फैकल्टी जाओगे डिपार्टमेंट में जाओगे एकदम से एक अलग सी बाहर आ जाती है, ठीक है, एकदम से लोग जा रहे होंगे साइकिल, ये साइकिल यूज होती है IIT में, ठीक है, आप लोग देखना साइकिल एक आप लोग भी खरीद लोगे, पूरे माहौल कोई बाइक नहीं, कोई चिल्ला को राम नहीं, बस सब लोग प्रोफेसर हैं वो भी साइकिल से आ रहे हैं, हमारे जो प्रोफेसर थे वो अपने बच्चे की साइकिल लेकर चले आते थे, एक दिन हमने पूछ लिया, हमने कहा सर साइकिल से आज, कह रहे एक्चुअली माई डॉटर गोइंग टू जर्नी, ठीक है, तो घर पर रखी हुई थी साइकिल, तो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग, जोकिंग भी हो जाएगी और ये सब कुछ हो जाएगा, तो पता चला वो नहीं आज टोकरी जिसमें फूल वगैरह रख लेते हैं वो वाली साइकिल लेकर चले आ रहे हैं, तो वहां पे कोई फर्क ही नहीं होता है ऊपर नीचे। और अपने कॉलेज में बीटेक वाले कॉलेज में भाई साहब बाइक आइक होनी चाहिए, ठीक है, एक रुतबा होना चाहिए, ठीक है, तो अपने जो बीटेक के कॉलेज होते हैं स्टेट वाइज कॉलेज में बाइक आइक का जिसके पास बाइक है वो समझ लो मस्त एकदम से उसका माहौल अलग बना हुआ है, तो वो चीजें होती हैं, तो जस्ट ये चीजें आपको IIT में देखने को जाने को मिलेंगी, वहां पे आपको देखने को मिलेंगी।
यस, आप लोगों की स्टेट कॉलेज में, हमारे भी स्टेट कॉलेज जब था तो वहाँ पे पता चला बाइक नहीं है, तुम साइकिल से चले गए, लोग तुम कैसे देख रहे, अरे मनीष साइकिल से आ गए हो क्या, ठीक है। और IIT में साइकिल से चलोगे तो और ज़्यादा इज्जत है आपकी, IIT में साइकिल से चलोगे और इज्जत है आपकी। यस चलो ओके चलो फिर मैं यहां से जस्ट स्टार्ट करता हूं सेशन को। एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी की बात करूंगा जो कि ये आपकी यूनिट नंबर 9 होगी, ठीक है, यूनिट नंबर 9 होगी एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी, ठीक है। एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी की हम लोग बात करेंगे, इसमें दो स्ट्रेटजी पढ़ेंगे, एक ऑफ फीड फॉरवर्ड पढ़ेंगे और दूसरा आप पढ़ेंगे क्या, कैस्केडिंग, ठीक है। तो हम लोग फीड फॉरवर्ड से स्टार्ट करते हैं, एक बार सारे लोग बता देंगे रेडी है, स्टार्ट किया जाए, आर यू रेडी, स्टार्ट किया जाए क्या, यस स्टार्ट करते हैं भाई साहब, स्टार्ट किया जाए शानदार तरीके से, यस रेडी है सारे लोग, स्टार्ट करते हैं ठीक है, रेडी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑलवेज रेडी, चलो स्टार्ट सेशन करते हैं यहाँ से। तो हम लोग पहला एडवांस कंट्रोल पार्ट नंबर ए पढ़ेंगे, पार्ट नंबर ए में हम लोग पढ़ेंगे फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एक और स्ट्रेटजी आप लोग पढ़ेंगे एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी, ठीक है, वो हम लोग बाद में करेंगे जाके, कैस्केडिंग, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसकी, कैस्केडिंग की, ठीक है, मल्टीपल आपके कैस्केड लगे होंगे उसको आप लोग किस तरीके से हैंडल और कंट्रोल कर पा रहे होंगे उसकी हम लोग कल बात करेंगे, इस बार एक क्वेश्चन भी आया था। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे सारे लोग पार्ट ए फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम, पार्ट ए फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम, सारे लोग हेडिंग डाल देंगे फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम, चलो हेडिंग डाल देंगे। इसके पहले की पॉइंट्स मैं यहां पे लेकर आया हूं, तो सारे लोग पहले की पॉइंट इसके लिख लेंगे और समझ लेंगे कि की पॉइंट एक्चुअली है क्या, ठीक है, सारे लोग समझ लेंगे की पॉइंट एक्चुअली है क्या, ठीक है, चलो। तो वन बाई वन हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो की पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं, ये जो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम होता है इसको हम लोग परफेक्ट कंट्रोलर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंट्रोलर। क्यों परफेक्ट कंट्रोलर बोलते हैं, इसके पीछे रीजन समझना, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये होता है फीड फॉरवर्ड होता है, ये जो आपका जो एक्शन है ना, पहले डिस्टर्बेंस आपने सिस्टम ने डिस्टर्बेंस फील नहीं कर पाया, उससे पहले ये क्या कर लेगा, एक्शन ले लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि डिस्टरबेंस पहले आपका सिस्टम क्या हो, फीडबैक में क्या होता था, अभी तक आप लोग जो पढ़ के आ रहे थे वो सब क्या थे, फीडबैक थे, क्लोज लूप सिस्टम सारे कैसे थे, फीडबैक मतलब डिस्टरबेंस होता था, फिर आप उसको चेक करते थे कि भैया इतना डिस्टरबेंस हुआ, फिर आप जाके कंट्रोलर लगाते थे, फिर आप इजीली तरीके से उसको कंट्रोल करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप पहले से ही सारा मैनिपुलेशन करके रखोगे, आपको लगेगा कि हाँ भाई ये प्रोसेस में ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो आप पहले से ही मैनुअल रेडी रखोगे। इसमें थोड़ा मैनुअल बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आपको पहले पेन एंड पेपर पे अच्छे से काम करना पड़ता है, इसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छे से रेडी रखनी पड़ती है, क्योंकि बीच में फिर आप कुछ नहीं कर पाते, जो भी करना है पहले ही करो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो डिस्टर्बेंस होने से पहले ही क्या कर लेता है, ये एक्शन ले लेता है, ठीक है। तो ये इतना बेहतरीन आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर होता है, यस, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्यों इसको हम लोग परफेक्ट कंट्रोलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जैसे डिस्टरबेंस फील किया सिस्टम ने, ये पहले ही उसने एक्शन लेके रख लिया, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन दिस कंट्रोल सिस्टम द इफेक्ट ऑफ द डिस्टरबेंस मेजर्ड एक्यूरेटली। इसमें क्या है, इसको जब भी आप मॉडलिंग करोगे किसकी, फीड फॉरवर्ड की, तो आपके जो डिस्टरबेंसेस है ना उनकी, आपको उनका मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। इनके एक्यूरेट नहीं है तो ये एरर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, बाद में आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो आपको एरर जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं उनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, किसके किसके केस में, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। जितने भी आपको एरर हो रही है उनकी सबकी आपको प्री नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या करता है, प्रॉपर कंट्रोल एक्शन, इसमें क्या होना चाहिए, एक आपका प्रॉपर कंट्रोल एक्शन होना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम एरर प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ द एरर्स और डिस्टरबेंसेस, ठीक है। तो एक बात आपको ध्यान में आ गई, समझ में आ गई कि जो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम होता है इसको हम लोग परफेक्ट कंट्रोलर भी बोलते हैं। क्यों परफेक्ट कंट्रोलर बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये जो कंट्रोलर है ना, इनकेस कोई डिस्टरबेंस आया उससे पहले ही ये एक्शन ले लेता है, वन। दूसरा, इसके लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगा कि आपका जो ये है ना डिस्टरबेंस मेजरिंग एलिमेंट्स,
वो आपके बहुत एक्यूरेट होने चाहिए। तीसरी बात, आपकी मॉडलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका मॉडल बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। पता चला बाद में एरर आई, फिर बाद में कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसका मतलब इसमें सब कुछ काम पहले करके ही रखना पड़ता है। फीड फॉरवर्ड में, फीड फॉरवर्ड का मतलब आप बैकवर्ड नहीं है, आपका बैकवर्ड में ये होता है, यस बैकवर्ड में आपकी एरर बाद में आई उसको आप फिर मैनिपुलेट कर पाओगे, लेकिन इसमें बाद में मैनिपुलेट नहीं करते, इसमें सब कुछ पहले से ही मैनिपुलेशन लेकर चलते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इट डज नॉट अफेक्ट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। यस, जब आप फीडबैक सिस्टम यूज करते थे तो आपका हो सकता था उसमें क्या हो जाए, उसमें आपका आपको देखने को मिलेगा कि आपका हो सकता था ऑर्डर बढ़ जाए सिस्टम का, लेकिन इसमें आपका ऑर्डर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इट डज नॉट अफेक्ट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। कभी कभी हम लोग कंट्रोल करते हैं फीडबैक को तो वो क्या हो जाता है, सिस्टम और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है। तो सिस्टम जितना ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा तो आपका सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल की ओर जाने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन फीड फॉरवर्ड में ऐसा नहीं है, ठीक है, ये ऑलवेज क्या रहेगा, स्टेबल ही रहता है, इसकी स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ये फीडबैक आपका ज्यादा एक्यूरेट होता है इन कंपेयर टू फीड फॉरवर्ड, वो ज्यादा एक्यूरेट होता है इन कंपेयर टू दिस, ठीक है, क्योंकि वो बार बार एरर आती है तो बार बार उसको क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। लेकिन ये एरर आ गई एक बार, फिर उसको बार बार नहीं, ये जो भी एरर आई पहले ही आपको सब कुछ लेकर चलना पड़ता है, पहले टर्म कंडीशन आपको लेकर चलनी पड़ती है। हाँ भाई, रास्ते में आप कभी भी जाते होगे, ठीक है, खाना लेकर, तो आप पहले से ही ध्यान में रखते हो कि भाई मुझे शाम तक इतनी भूख लगेगी तो मैं इतना खाना लेकर चलूं, ठीक है, यस। और फीडबैक क्या है, यस मुझसे को भूख लगेगी तो बीच में खरीद लेगा, ठीक है, तो वो सिस्टम को क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा। लेकिन फीड फॉरवर्ड में ऐसा नहीं है, वो पहले से ही सब कुछ लेकर चलेगा, व्यवस्था अपनी करके चलेगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ तो हम ऐसा ऐसा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, बाद में कुछ हुआ तो फिर बाद में रास्ते में ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो हिसाब है इधर, यस पहले ही एक्शन लेते हैं, इसमें एक्शन जो भी लेना है पहले ही लेंगे, यस। यूनिट 9, ये लास्ट यूनिट है आपका, ये यूनिट लास्ट है, ठीक है। तो पहले सारे पॉइंट आप लोग लिख लो प्रॉपर तरीके से, फिर हम लोग इसके ब्लॉक डायग्राम और थोड़ा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें। सारे लोग पहले प्रॉपर तरीके से ये सारे की पॉइंट्स लिख लो, मेंशन कर लो। यस, ये थोड़ा चीपर होता है फीडबैक आपका, क्या होता है, कॉस्टलियर होता है, दिस इज द चीपर, ये थोड़ा चीपर होता है, और ये आपका इनकेस कोई डिस्टर्बेंस रिजेक्शन है तो उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, डिस्टर्बेंस रिजेक्शन को आपका अच्छे से कंट्रोल करता है, और ये आपका चीपर होता है, जो आपका फीडबैक है वो थोड़ा कॉस्टलियर होता है। ठीक है, और ये डिस्टर्बेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करता है। ओके, अब मैं इसकी बात करूंगा आगे। ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, सारे लोग हेडिंग डाल देंगे ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, सारे लोग मस्त तरीके से हेडिंग डाल देंगे ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हेडिंग डाल देंगे सारे लोग ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। डाल देंगे सारे लोग ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, डन, ठीक है। अब इसका हम लोग प्रॉपर तरीके से पहले ब्लॉक डायग्राम समझ लेते हैं, प्रॉपर तरीके से इसका ब्लॉक डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले क्लोज लूप सिस्टम बनाते कैसे थे, एक आपका ये कंट्रोलर होता था, ठीक है, एक आपका ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता था, ठीक है, ये आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता था, ठीक है, और एक आपका क्या होता था, जीपी होता था, एक आपका क्या होता था, जीपी होता था, और एक आपका होता था जीएम होता था, और एक आपका सपोज कर लो, एक मैं लगा दूं लोड लगा दूं तो मैं लोड, चलो इसी पे लगा देता हूं लोड, एक मैं लगा दूं लोड पहले, चलो मैं इसको लिख देता हूं, लोड बाद में लगाता हूं, पेन ले लेता हूं, तो मैं बोलूं ये अपना क्या होगा,
ये आप जो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं ये क्या था, नॉर्मल कंट्रोलर। अब आप लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर। तो मैं इसको लिख दूंगा GFF, फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर। ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर कहाँ पे जाएगा, GF में जाएगा। GF किस में जाएगा, GP में जाएगा, प्रोसेस में, ठीक है। और इसका क्या निकल जाएगा, आउटपुट निकल जाएगा, जिसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते थे, जिसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते थे। ये क्या होता था, अपना GM होता था, ये अपना मेजरिंग डिवाइस होती थी। इस मेजरिंग डिवाइस को आप लोग सेट पॉइंट से मैच करवाते थे, सेट पॉइंट से मैच करवाते थे, ठीक है। ये आपका YSP होता था, सेट पॉइंट से मैच करवाते थे, जो भी एरर प्रोड्यूस होती थी वो हम लोग कंट्रोलर में डाल देते थे, ठीक है। ये माइनस होता था, ये प्लस होता था, और इसको हम लोग YM लिखते थे, ठीक है। ये पहले लोग सर लोग जनरल डायग्राम आप लोग बना लो पहले सर लोग पहले जनरल डायग्राम बना लेंगे प्रॉपर तरीके से। अब मैं चाहूं इसमें लोड भी लगाना चाहूं तो लोड भी लगा दो इसमें, इसमें मैं चाहूं कि मुझे लोड भी लगाना है तो लोड भी लगा दो यहां पे, यहां पे लगा दो भैया जीडी, और यहां पे आ जाएगा अपना स्मॉल का डीवार, स्मॉल का डीवार, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर दो, एक मिनट, इसको थोड़ा सा जगह बना लो स्पेस, और इसको कुछ इस तरीके से बना लो। ये आपका वाई जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से एक और सिग्नल ट्रांसफर कर दो, एक और सिग्नल। ये पाइपलाइन है, ठीक है, ज्वाइंट है, ये क्या है, ज्वाइंट है, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द डिस्टरबेंस, ये क्या है, इनपुट ऑफ द डिस्टरबेंस, दैट इज द डीवार। डीवार क्या है, इनपुट है डिस्टरबेंसेस का, ठीक है। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द डिस्टरबेंसेस, दिस इज द कंपैरेटर, दिस इज द कंपैरेटर, राइट। इतना पहले सारे लोग और बना लो, ये यहां पे जॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। दोनों साइन लगा लो, प्लस, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक है। अब इसका आप लोग इसको सॉल्व कर लो, इसको सारे लोग सॉल्व कर लो थोड़ा। हाँ, आउटपुट है ना, ये आउटपुट है ना, ये बाई आउटपुट, ये बाई आउटपुट है, देखो ये आपका आउटपुट है। तो यस, जीएफ जीएम, दिस इज द जीएफ। जीएफ क्या है, अरे यार पहली बार क्लास कर रहे हो क्या, जीएफ क्या है, जीएफ क्या है, जीएफ क्या है, सारे लोग जरा बताओ इनको कमेंट करके, ये क्या है, GF, GM, इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द मेजरिंग डिवाइस, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द कंट्रोल वॉल्व, ठीक है। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोल वॉल्व, ओके। पीछे वाली क्लास नहीं की है तुमने हेल्डर, ठीक है, पीछे वाली क्लास करके आओ प्रॉपर तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे सॉल्व करना, इनको डब्बों को मैंने सॉल्व करना बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। GF क्या है आपका, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द कंट्रोल वॉल्व, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, यस, ठीक है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। ये किसमें होता है, मेजरिंग, यस, मेजरिंग एलिमेंट, ये सब कुछ पीछे ब्लॉक डायग्राम। ये क्या है, जीएफएफ लिख लो, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर, फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर, जीएफएफ, यस। अभी हम लोग बाद में बंद कर लेंगे, हम लोग बाद में बंद कर लेंगे, पहले इतना प्रॉपर तरीके से पहले डिजाइन कर लो, फिर हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से देखना, मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम सॉल्व करना बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है, बहुत अच्छे से बताया, और इसको समझ लेना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये जो लास्ट वाला आईपीसी वाला पार्ट होता है ना, जितने अच्छे से मैंने बताया है इसको उतने अच्छे से समझना है, अदरवाइज इसमें भी कंफ्यूजन बना रहता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना, प्रॉपर तरीके से इसको सारे लोग सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आ जाओ साथ में सारे लोग आ जाओ, और मस्त तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, देखना बहुत ध्यान से। तो यहां से ये बताओ सारे लोग मेरे को जरा इतना बताओ, जीएम यहां पे सिग्नल कितना आ रहा होगा, कोई मेरे को बता सकता है क्या, यहां पे सिग्नल कितना आ रहा होगा, यहां पे कितना सिग्नल आ रहा होगा, मतलब वाईएम की वैल्यू कितनी होगी, सारे लोग जरा बता दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाईएम,
YM की वैल्यू कितनी होगी, इस पॉइंट पे सिग्नल कितना आ रहा है, कोई मेरे को देख के बता पाएगा क्या? GM, एवरीवन आर ओके विद दिस? GM, GM आ रहा है, GM आ रहा है, वेरी गुड, GM बोल सकते हैं? GM नहीं बोलना है, ठीक है, ये कहां से आ रहा है, ये D जो इसमें भी जाएगा, D आपका और D आपका नीचे भी जाएगा, ठीक है। मैंने बोला सिग्नल्स नेवर बी डिवाइडेड, ठीक है, सिग्नल कभी भी डिवाइड नहीं होंगे, तो डी इस वाली पाइपलाइन में भी जाएगा और इस वाली भी पाइपलाइन में, तो यहां पे कितना आएगा, डी वार और ये आपका जीएम, ओके, इतना आएगा। तो यहां पे जो निकलेगा, मैं यहां पे पॉइंट बताऊं, सर लोग बताओ यहां पे सिग्नल कितना निकलेगा, सेट पॉइंट माइनस का दिस इक्वल टू दिस, तो मैं लिखूंगा, सर लोग जरा दिखा ध्यान से देखना, वाई एस पी माइनस का डी वार जीएम, डी वार जी एम, ये किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, आपका जी एफ एफ में। सर लोग ये बताओ पहले इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट इसको मैं ए बोलूं, तो पॉइंट ए पे सिग्नल इतना आ रहा होगा क्या, यस और नो? सर लोग जरा बताओ पॉइंट ए पे सिग्नल इतना आ रहा होगा, यस और नो? यस, सर लोग बताओ, क्योंकि ये माइनस है तो इतना सिग्नल यहां से आ रहा है, और ये क्या है वाई एस पी, ये पॉजिटिव के साथ आ रहा होगा, तो ये पॉजिटिव के साथ इतना माइनस हो रहा होगा, इतना एरर जा रहा होगा किसके अंदर, इतना एरर किसके अंदर जा रहा होगा, यस अपना कंट्रोलर के अंदर, इतना अपना एरर कंट्रोलर के अंदर जा रहा होगा, इसमें तो कोई समस्या आई नहीं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, इतना एरर अपना कंट्रोलर के अंदर जा रहा होगा, राइट। चलो तो ये किस में फिर मल्टीप्लाई होगा जाके, जी एफ एफ में, ठीक है, ये किस में मल्टीप्लाई होगा जाके, जी एफ में, ठीक है, ये किस में मल्टीप्लाई होगा जाके, जी पी में। रुक जाओ, अब यहां पे क्या कर जाओ, रुक जाओ थोड़ा, यहां पे रुक जाओ, अब ये बताओ, ये तो ऐड होगा और ऊपर से कितना सिग्नल आ रहा है, सर लोग जरा बताओ ऊपर से कितना सिग्नल ऐड कितना होगा, इसमें इसमें कितना ऐड होगा, कितना ऐड होगा, सर लोग जरा बताएंगे कितना ऐड करेंगे, इसमें ऊपर से कितना सिग्नल आ रहा है, डी वार इंटू जी डी, ऊपर से कितना सिग्नल आ रहा है, डी वार इंटू जी डी, यस डी वार इंटू जी डी, तो ये किसके साथ आ रहा है, प्लस के साथ, प्लस के साथ कितना आ रहा है, डी वार इंटू जी डी, इंटू जी डी, राइट, कोई दिक्कत है ही नहीं। इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सारे लोग जरा बताओ, इज इक्वल टू आउटपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल क्या है, वाई बार, वाई बार का मतलब डेविएशन, जितने भी बार लगे हैं ना, इसका मतलब क्या है, ये डेविएशन है, ठीक है, इसके ऊपर भी बार लगा सकते हो, इसके ऊपर भी बार लगा सकते हो, इसका मतलब ट्रांसफर फंक्शन हमेशा किस में लिखते हैं, डेविएशन के फॉर्म में लिखते हैं, इस वजह से बार लगाया हुआ है, ठीक है, बार क्यों लगाया है, बिकॉज ऑफ डेविएशन। यहां तक सारे लोग बताओ पहुंच पा रहे हो कि नहीं, एक लाइन तक, ये लाइन आपको लिखना आ गई, समझ लो आधा काम आ गया, अल्टीमेट जो स्टोरी है ना, ये लाइन लिखने में है। आर यू ओके विद दिस लाइन, क्रिस्टल क्लियर, आर यू ओके विद दिस लाइन एवरीवन? सारे लोग बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ये लाइन लिखने में? सर ये सर माइनस और प्लस का मल्टीप्लीकेशन का कंफ्यूजन हो रहा हूँ। देखो माइनस जैसा जाए, सपोज कर लो आपका ये कंट्रोलर लगा हुआ है, देखो तुम्हारे लिए, देखो हम बता दे रहे, जैसे ये कंट्रोलर लगा हुआ है, ये आपने पहले क्लास नहीं किया, इसका मतलब मैंने ये समिंग जंक्शन पे बहुत काम कर रखा है, ठीक है, समिंग जंक्शन है, सपोज कर लो ये आपका जा रहा है सिग्नल, आपका आ रहा है एक्स, ठीक है, और ये लगा है प्लस, और यहाँ से आपका सिग्नल जा रहा है वाई, ठीक है, ये है माइनस, तो यहाँ से मैं बोलूँ आउटपुट जो निकलेगा, यहां से जो आउटपुट निकलेगा वो कितना निकलेगा, x माइनस का y, x माइनस का y, इनकेस प्लस का सिग्नल जा रहा है, माइनस का सिग्नल आ रहा है, यहां से जो कंपैरेटर से आउटपुट निकलेगा वो कितना निकलेगा, x माइनस y, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको उठा के सारे लोग सॉल्व कर लो, जरा इसको उठा के क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। चलो सॉल्व करते हैं, जरा सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, तो ये क्या आ जाएगा, आउटपुट इज इक्वल टू वाई बार, आउटपुट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डी बार को एक साथ लेकर आओ, डी वाला टर्म यहां पे है और डी वाला टर्म यहां पे है, ठीक है, तो इनको एक साथ लेकर आओ, तो ये अपना आ जाएगा जी एफ एफ, जी एफ एफ, ठीक है, क्या आ जाएगा, जी एफ एफ आ जाएगा इंटू जी एफ आ जाएगा। जी एफ एफ क्या है, कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन है, और एफ क्या है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, और जी पी प्रोसेस, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो भी होगा प्रोसेस है, ठीक है, और ये किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई बार एस पी, ठीक, कोई समस्या आई नहीं, सिर्फ ये वाले तीन पार्ट का मैंने इस वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसके साथ देखो एक साथ लेकर जा रहा हूं, इनको और मैं इनको एक साथ कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करने के साथ एक साथ लिख रहा हूं, तो बहुत ध्यान से देखना, प्लस का
डी बार, मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और कॉमन भी ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, जी डी माइनस का जी एम जी एफ जी पी। सर लोग बताओ यहाँ तक सर लोग पहुँच पा रहे हैं क्या? दिस इज द वाई आउट, तो मैंने इधर लिखी दिया है। यहाँ तक सारे लोग पहुँच पा रहे हैं क्या? देखो एक बार, एक बार देखो सारे लोग यहाँ तक मुस्कुरा के पहुँच पा रहे हैं क्या? एवरीवन, एवरीवन आर ओके विद दिस लाइन? यहाँ तक सारे लोग पहुँच पा रहे हैं क्या? यस, जितने भी ट्रांसफर फंक्शन लगे होते हैं उनका सबका मल्टीप्लाई होता चला जाता है। कंपरेटर का मतलब समिंग जंक्शन, समिंग जंक्शन का मतलब यहाँ पे एडिशन हो रहा होगा और सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। जी एफ रह गया क्या? जी एफ एफ कहाँ पे रह गया? डी बार यहाँ पे जी एफ एफ रह गया ना। चलो सारे लोग यहाँ तक पहुँच गए आराम से, कोई समस्या ही नहीं, यहाँ तक सारे लोग पहुँच गए। हाँ हाँ सेकंड में भैया लगा दिया मैंने। चल ठीक, यहाँ तक सारे लोग पहुँच गए, कोई समस्या ही नहीं। इसको ब्रैकेट में डाल लो, इसको आप लोग सारे लोग ब्रैकेट में डाल लो बेहतरीन तरीके से, इसको आप ब्रैकेट में डाल लो। ठीक है, अब यहाँ से केसेस स्टार्ट कर लो, अब यहाँ से केसेस वन बाई वन स्टार्ट कर लो। अब यहाँ से अपन लोग केसेस स्टार्ट कर लेंगे वन बाई वन प्रॉपर तरीके से। यहाँ तक आप लोग इसको ब्रैकेट में डालो। अब लिखो केस वन, बहुत ध्यान से लिखेंगे केस वन। केस वन ठीक है, फॉर सर्वो प्रॉब्लम, फॉर सर्वो प्रॉब्लम, सर्वो प्रॉब्लम, सर्वो प्रॉब्लम क्या होती थी सर लोग जरा बताएंगे मेरे को? सर्वो प्रॉब्लम क्या होती थी सर लोग जरा बताएंगे? सर्वो प्रॉब्लम क्या होती थी? क्यों भाई, सर्वो प्रॉब्लम क्या होती थी, किसी को याद है क्या? पीछे आप लोग पढ़ के आए हो, व्हाट इज द सर्वो प्रॉब्लम? देयर इज नो चेंज इन द डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द डिस्टर्बेंसेस, तो सर्वो प्रॉब्लम या सेट पॉइंट ट्रैकिंग, इसको और क्या बोलते थे? चेंज इन सेट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ चेंज इन, चेंज इन सेट पॉइंट, सेट पॉइंट में आप लोग चेंज करते हो, चेंज इन सेट पॉइंट। ठीक है, चेंज इन लोड में क्या होता है? चेंज इन, चेंज इन लोड में क्या होगा? लोड में क्या होगा सर लोग जरा बताओ? चेंज इन लोड में क्या होगा? जीरो। इसका मतलब डी वार की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी वार की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। डी वार का मतलब ये चेंज ही लिखा हुआ है, ये चेंज ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? जीरो। चेंज इन सर्वो, यस, सेट पॉइंट में आप चेंज कर रहे होगे, डी वार में क्या हो जाएगा? जीरो। वेरी गुड, तो डी वार क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहां पे डी वार इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? वाई आउटपुट इक्वल टू वाई एस पी, तो ई वाले दो टर्म बचेंगे। ठीक है, चलो तो ई अपना जो बचेगा रिमेनिंग वो लिख लो, जो यहां से जो आपका बचने वाला है वो क्या बचेगा देखना बहुत ध्यान से। यहां से जो बच रहा होगा वाई आउटपुट, वाई आउटपुट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? जी एफ एफ जी पी, ठीक है, और जी एफ, और ये क्या आ जाएगा? वाई एस पी। ठीक, यहां तक सारे लोग ओप्सो पहुंच रहे होंगे, यहां तक सारे लोग मुस्कुरा के पहुंच रहे होंगे, कोई समस्या आई नहीं। ठीक है, यहां तक, सो दैट वी कैन राइट लाइक दैट। ठीक है, अपन लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट पे क्या हो जाएगा? इनपुट इक्वल टू आउटपुट, तो वाई आउटपुट इक्वल टू क्या आ जाएगा? वाई एस पी। ठीक है, क्या आ जाएंगे? वाई आउटपुट इक्वल टू वाई एस पी, इनपुट इक्वल टू आउटपुट हो जाएगा क्या? एट स्टेडी स्टेट। तो यहां से हम लोग बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? वन इक्वल टू जी एफ एफ जी पी इंटू जी एफ, राइट। तो यहां से अल्टीमेट आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर। तो यहाँ पे लिख देंगे जी एफ एफ की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वन अपॉन जी पी इंटू जी एफ, जी पी इंटू जी एफ जो भी वैल्यू होगी इसकी आप लोग रख देंगे। कभी कभी जी एफ की वैल्यू वन होती है तो इसका जो इन्वर्सली किसके हो जाता है, सिंपली वन अपॉन जी पी के, सिंपली किसके हो जाता है, वन अपॉन जी पी के, इफ योर जी पी जी एफ एफ इक्वल टू वन है तो, ठीक है। इफ इफ जी एफ इक्वल टू क्या है, वन, तो आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर का जो ट्रांसफर फंक्शन होगा जी एफ एफ का वो जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी पी के, ठीक है। ये दोनों पॉइंट लिखो पहले, यहां तक सारे लोग प्रॉपर तरीके से पहुंचे। जीएमआर छूट गया है क्या, जीएम इसमें छूट गया है, देखो एक मिनट, जीएम छूट गया है क्या, इसमें जीएम था ही कहां, इसमें जीएम है ही कहां गुरु, इसमें तो जीएम है ही नहीं, अभी सर्वे करने में तो जीएम होने का है ना, ये तो सही है। आप प्रोसेस को क्या चाहते हैं, स्टेडी स्टेट पे काम करें, मतलब जो इनपुट दिया वही चाहते हैं आउटपुट, ठीक है। तभी आप बोलेंगे कि आपका कंट्रोलर कैसा है, परफेक्ट कंट्रोलर है, ठीक है। इनपुट इक्वल टू आउटपुट नहीं मिलेगा तो आप लोग कंट्रोलर को परफेक्ट कंट्रोलर नहीं बोलेंगे। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परफेक्ट कंट्रोलर, इसका मतलब क्या, प्रोसेस शुड बी ऑपरेट एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पे ऑपरेट करेगा तभी आपका कंट्रोलर क्या होगा, परफेक्ट कंट्रोलर बोलेंगे। तो परफेक्ट कंट्रोलर की वैल्यू कब निकालेंगे, एट स्टेडी स्टेट पे, तो वन अपॉन जी पी जी एफ आ जाएगा। यस, इसमें जी ये इसमें नहीं आएगा, अभी आएगा जी एफ। अरे भैया ये आप लोग मैथ कर कॉपी नहीं कर रहे, कॉपी में आप लोग एंड कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो क्या, इसका मतलब आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो अपने हाथ से, पता है। इन केस ये बोल रहे हो कि जीएम पिक्चर में नहीं आया तो इसका मतलब हाथ से कैलकुलेशन आपकी हो ही नहीं रही है। ये सर्वो के लिए लिखा हुआ है गुरु, दिस इज प्रॉब्लम ओनली फॉर सर्वो प्रॉब्लम, ओके। अभी मैंने रेगुलेटरी प्रॉब्लम की बात नहीं की है, जब रेगुलेटरी प्रॉब्लम में बात करोगे तभी तो आएगा, देखो लिसन केयरफुली। ये भैया गुरु सर्वो प्रॉब्लम के लिए लिखा है, तो सर्वो प्रॉब्लम में देयर इज नो टर्म ऑफ द जीएम, ओके। यहां पे तब जीएम आई ना तो जबरदस्ती योगेश के घर से लेकर आ जाएंगे क्या जीएम, बोलो योगेश दे दोगे, हां योगेश के घर से तो उठा के लेकर आ नहीं जाएंगे, तब होगा तभी तो पिक्चर में आएगा, तब है ही नहीं यहां पे। चलो नो, केस नंबर वन ये था, केस नंबर टू, केस टू की बात करते हैं। केस टू, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया, पहले ये बताओ यहां तक डन, यहां तक डन है, यहां तक डन एवरीवन, यहां तक डन। यस, ये ट्रांसफर फंक्शन पे वो लूप पे डिपेंड करेगा, अली किस पे डिपेंड करेगा कि आपका कैसा लूप बना हुआ है। लूप आपको गेट में अलग से बना के देते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे, लूप आपको अलग से बना के देते हैं, डन, ठीक है। चलो लूप आपको बना के देंगे, उस हिसाब से आएगा, ये ऑलवेज वैलिड नहीं है, ये डिपेंड, ये जैसा मैंने सिस्टम लिया उस हिसाब से आपको दिखा दिया है। हो सकता है गेट में अपना बना के दे दें कि अब निकालो, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको ये लाइन लिखना आना चाहिए, आपको सिंपल ये वाली लाइन लिखना आना चाहिए, ठीक है, लाइन लिखना आना चाहिए। और आपको रेगुलेटरी प्रॉब्लम के लिए पूछेगा तो इस तरीके से आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, जो भी जीएफ की वैल्यू आ जाएगी वो मुस्कुरा के निकाल के चले आओगे, ठीक। चलो अभी क्वेश्चन करवाएंगे ना, तब फिर आपको और आएगा समझ में किस तरीके से चीजें चलती हैं। चलो तो ये यहां तक बिल्कुल डन है। नाउ केस नंबर टू फॉर रेगुलेटरी प्रॉब्लम, केस टू रेगुलेटरी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम रेगुलेटरी प्रॉब्लम, ठीक है। रेगुलेटरी प्रॉब्लम क्या होती है, सारे लोग जरा बताओ मुस्कुरा के, रेगुलेटरी प्रॉब्लम होती क्या है, चेंज इन द डिस्टर्बेंसेस, चेंज इन द लोड और डिस्टर्बेंसेस, चेंज इन लोड और डिस्टर्बेंसेस, चेंज इन द लोड और डिस्टर्बेंस, साथ हैं, क्लियर हुआ ना, वाई एस पी इक्वल टू वाई एस पी इक्वल टू वाई आउटपुट कैसे लिया गया, क्यों लिया गया, क्योंकि
इफ वी विल टॉक अबाउट द परफेक्ट कंट्रोलर, इसका मतलब योर ऑपरेशन शुड बी एट स्टेडी स्टेट कंडीशन, राइट? नाउ दूसरा मैं बात करूं, चेंज इन द लोड, यस, चेंज इन द सेट पॉइंट, वेरी गुड. चेंज इन द सेट पॉइंट, मैं दोबारा लिखवा रहा हूं क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से फिर से रिकॉल हो जाए, अदरवाइज ये बात मैं लिखवा चुका हूं ऑलरेडी. चेंज इन द सेट पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे लोग अब लास्ट से ज्वाइन किए हैं, वाई एस पी इक्वल टू जीरो, ठीक है, बहुत सारे लोग लास्ट से ज्वाइन किए हैं, इस वजह से मैं प्रॉपर तरीके से लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, ये क्योंकि बीच में कुछ लोग पकड़े हैं ट्रेन को, ठीक है, जहां से ट्रेन चली है वहां से साथ नहीं दे रहे हैं, बीच बीच में स्टेशन आ रहा है वहां वहां पे चढ़ जा रहे हैं, तभी दिक्कत आ रही है, ठीक. चलो अब चलो भाई साहब आ जाओ फिर से, अगेन फिर से आ जाओ. रेगुलेटरी प्रॉब्लम के मतलब आप वाई एस पी जीरो करेंगे, तो वाई एस पी जीरो करेंगे अपना वही उसी पे फिर से आ जाओ इक्वेशन पे, तो वाई एस पी जैसे जीरो करेंगे गुरु, वाई एस पी जीरो करेंगे तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तो वाई आउटपुट इक्वल टू ये वाला पार्ट सस्टेन करेगा, सारे लोग जरा बताओ ये वाला पार्ट सस्टेन करेगा, यस और नो, ठीक है, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तो ये वाला जैसे पार्ट खत्म हुआ इसका मतलब सस्टेन ये वाला करेगा, सस्टेन ये वाला करेगा, तो इसका मतलब वाई आउटपुट इक्वल टू किसके हो जाएगा, दिस वन, ठीक है, वाई आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा, दिस वन. अब देखना बहुत ध्यान से यहां पे बहुत ध्यान से एक और पॉइंट देखना पड़ेगा. हाँ सर आपकी टीम में. अब देखो कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पे, अब आपको करना क्या है, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है तो केयर करना, आपका गोल क्या है, वाई आउटपुट इक्वल टू वाई सेट पॉइंट हो जाए एट स्टेडी स्टेट पे, आप चाहते हैं वाई आउटपुट इक्वल टू वाई सेट पॉइंट पे हो जाए, तो किस कंडीशन में होगा, व्हाट इज द कंडीशन, मजा आएगा आप देखो, बताओ क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आउटपुट इक्वल टू इनपुट हो जाए, तो इसमें कौन सी कंडीशन लगा दें फॉर परफेक्ट डिस्टर्बेंसेस रिजेक्शन के लिए, बताओ, थोड़ा सोच पा रहे हो क्या, मैं चाहता हूं कि एट स्टेडी स्टेट पे आउटपुट इक्वल टू इनपुट हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब मैं चाहता हूं कि बाई इनपुट आपका, क्योंकि परफेक्ट क्या है, डिस्टर्बेंस रिजेक्शन है, तो इसका मतलब वाई एस पी तो जीरो है, इसका मतलब आप इसको भी जीरो बनाना चाहोगे, ध्यान से समझना, वाई एस पी जीरो है इसका मतलब इसको भी जीरो बनाना चाहोगे, इसको जीरो कब बना पाओगे, तब ये वाला पूरा टर्म जीरो, तभी तो जीरो बना पाओगे, मतलब आपका ये वाला टर्म जीरो है और आप चाहते हो कि जीरो पे ही अटैक करे इनपुट इक्वल टू आउटपुट, तो ये वाला भी टर्म जीरो होना चाहिए, ये वाला टर्म जीरो होने के लिए ये वाला तो टर्म जीरो हो गया, ये वाला भी टर्म आपका जीरो होना चाहिए, अब ये वाला टर्म जीरो होने के लिए आपका डीवार जीरो है नहीं, क्योंकि चेंज ही है लोड में, तो डी वार जीरो होगा नहीं, इसका मतलब अंदर वाला पार्ट जीरो होगा कि नहीं, एवरीवन आर गेटिंग दिस पॉइंट, इसका मतलब दिस पार्ट मस्ट बी जीरो, ये बात आधे लोगों को नहीं आती है समझ में, पूरा पढ़ लेते हैं ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है समझ में, दिस पार्ट मस्ट बी जीरो, ये कैसे हुआ ये समझ लो, और ये बुक पढ़ते रह जाओगे नहीं समझ में आएगा ये जीरो कैसे हुआ, सीधे सीधे जीरो पढ़ के याद करके चले जाओगे, आपको मैं बता रहा हूं, बुक पढ़ते रह जाओगे नहीं समझ में आएगा ये जीरो क्यों हुआ, ठीक है, दोबारा प्लीज, ओके, मतलब हम चाहते हैं क्या, एट स्टेडी स्टेट पे इनपुट इक्वल टू आउटपुट हो, ठीक है, तो इसका मतलब आप चेंज इनपुट में तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बाई एस पी तो इनपुट है ना, इनपुट में तो कुछ चेंज कर ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब आउटपुट में भी कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब इनपुट में कुछ चेंज होगा तभी आपका आउटपुट में चेंज, ऐसा नहीं हो पता प्रोसेस रन कर रहा है, आपने इनपुट में कुछ चेंज किया नहीं, आउटपुट आपका चेंज हो गया, मान लो आपने इनपुट दिया 45 डिग्री सेंटीग्रेड और आउटपुट निकल गया 50, ऐसा नहीं चाहते, ठीक है, तो इनपुट में आप कुछ चेंज कर नहीं रहे तो आपका आउटपुट में भी कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वाई एस पी मस्ट बी इक्वल टू द वाई आउटपुट, इसका मतलब वाई एस पी तो जीरो है, क्यों, क्योंकि आपने केस ही ले रखा है परफेक्ट किसका, परफेक्ट डिस्टर्बेंसेस, या आपने क्या रेगुलेटरी प्रॉब्लम ले रखी है, तो रेगुलेटरी प्रॉब्लम है तो वाई एस पी तो अपना जीरो ही होता है, इसका मतलब आपको ये वाला पार्ट जीरो करने के लिए आपका ये वाला भी पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो, और ये वाला भी पार्ट जीरो होना चाहिए, ठीक, अब ये दोनों पार्ट जीरो तभी होंगे गुरु, ये दोनों पार्ट जीरो तब होंगे जब ये वाला पार्ट फुल्ली जीरो, ये वाला पार्ट फुल्ली जीरो, अब आ जाओ ये अपना डीवार कभी भी जीरो हो नहीं सकता है, डीवार कैन नेवर बी जीरो, डीवार कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये अपना जीरो हो नहीं सकता है, तो जीरो भाई साहब क्या बचे, इसी को करना पड़ेगा,
ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं इसको प्रॉपर तरीके से फिर से एक बार लिख देता हूँ नीचे जाके, एक बार इसको लाइन को अपने नीचे लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो जहाँ पे लिख रहे हैं, मैं फिर से लिख देता हूँ, वाई आउटपुट इज इक्वल टू, वाई आउटपुट इज इक्वल टू क्या था आपका, वाई आउटपुट इज इक्वल टू क्या था, जी एफ एफ, जी एफ, और क्या था आपका, जी पी, जी पी इंटू वाई एस पी, ठीक है, प्लस का डी वार, प्लस का डी वार, इधर क्या था आपका, जी डी, जी डी माइनस का, माइनस का जी एफ एफ, जी पी, जी एफ और जी एम, यही तो था। देखो एक बार जरा चेक करो सारे लोग, यही तो था, यही था कि नहीं, यस और नो, यही था। अब हम लोग चाहते क्या है कि अपना जो सेट पॉइंट है जीरो, तो वाई सेट पॉइंट क्या है आपका, जीरो, तो योर आउटपुट मस्ट बी एट द कंडीशन ऑफ जीरो, ठीक है, तो आउटपुट भी आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो वाई एस पी आपका क्या है भैया, जीरो, देन देन एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, वाई आउटपुट, आउटपुट इक्वल टू वाई एस पी, और ये क्या होना चाहिए, जीरो, दोनों होने चाहिए। तो इसको जीरो बनाने के लिए, इसको जीरो बनाने के लिए, बहुत ध्यान से समझना, वाई आउटपुट को जीरो बनाने के लिए दिस टर्म शुड बी जीरो, ये वाला टर्म की गारंटी आप ले रहे हैं कि ये वाला मस्ट बी जीरो होना चाहिए, ये वाला टर्म मस्ट बी जीरो होना चाहिए। सो सो डी वार, डी वार जी डी माइनस का, माइनस का जी एफ एफ, जी एफ एफ जी पी इंटू जी एफ इंटू जी एम मस्ट बी जीरो, ये आपका जीरो होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन होल्ड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन होल्ड करने के लिए एज यू नो दैट, कि आपको पता है कि फॉर एज यू नो दैट, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट फॉर सर्वो प्रॉब्लम, फॉर रेगुलेटरी प्रॉब्लम, फॉर रेगुलेटरी प्रॉब्लम, फॉर रेगुलेटरी प्रॉब्लम, फॉर रेगुलेटरी प्रॉब्लम डी बार है ना, वो कैन नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो अपना जीरो हो नहीं सकता है और बनाना इसको जीरो है। सो अब अपने पास क्या बचा, अब मजबूरी हो गई इसको जीरो करना। सो सो जी डी इक्वल टू, जी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एफ, ऐसे लिख लो, एक स्टेप और लिख लो क्योंकि लोग बीच में ज्वाइन किए हैं, पता चला एक स्टेप भी आपने बढ़ा के लिख दी तो गड़बड़ हो सकता है। जी डी माइनस का जी एफ एफ, जी पी माइनस का जी क्या आ जाएगा, जी एफ, और क्या आ जाएगा, जी एम, लिखते चले जाना, ठीक है। अभी मैं आपके कमेंट नहीं देख रहा हूँ, पूरा प्रोसेस कर देता हूँ फिर देखता हूँ आपके कमेंट, ठीक है, पूरा प्रोसेस कर देता हूँ मैं फिर देखूंगा कमेंट, ठीक है, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहले पहुँचा देता हूँ आपको। चलो तो ये आ जाएगा अपना यहाँ पे फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर, कहाँ बस वॉइस वगैरह जानी चाहिए। तो जी एफ एफ कितना आ जाएगा, जी एफ एफ कितना आ जाएगा, सारे लोग जरा बताओ। अब परफेक्ट डिस्टर्बेंस रिजेक्शन से हम लोग जी एफ एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जी डी अपॉन, जी डी अपॉन क्या आ जाएगा, जी पी, जी एफ और जी एम, ठीक है। तो ये आ गया किसके लिए, आपका रेगुलेटरी प्रॉब्लम के, सर ओ आई एस रेगुलेटरी प्रॉब्लम के लिए, दिस इज द फॉर रेगुलेटरी प्रॉब्लम। यहाँ तक सारे लोग पहुँच पा रहे हो प्रॉपर तरीके से कि नहीं, यस मोहित, ग्रेट एक्सप्लेनेशन, ग्रेट एक्सप्लेनेशन, डन, यस, डटे रहोगे तो लास्ट तक समझ के ही जाओगे, डटे रहोगे तो लास्ट तक समझ के ही जाओगे, डोंट वरी, ठीक है, डटे रहोगे तो लास्ट तक समझ के जाओगे। बीच में डटे नहीं रहे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक बात बिल्कुल आ गई समझ में। सर केमिकल टेक्नोलॉजी कैसे पढ़ना चाहिए, सुबह सुबह उठो, हाथ पैर धुलो, भगवान जी का नाम लो और रटना स्टार्ट कर दो, ठीक है, बस एक ही काम करना है, ना तो समझना है ना तो दिमाग लगाना है, जैसा दिया गया है बस आंख बंद करके विश्वास करके आगे बढ़ते चले जाओ, याद कर डालो, अभी काम मत करो, ये काम करना जनवरी में, ठीक है, जनवरी में करना, ताज़ा ताज़ा याद रहेगा और ताज़ा ताज़ा नंबर लेकर आओगे।
क्योंकि अभी काम करोगे फिर भूलोगे, फिर से दोबारा काम करना पड़ेगा, तो अभी काम मत करो। ठीक है, काम करना है तो जनवरी में करना। ठीक, चलो बात खत्म हुई उन लोगों की। तो ये था भैया अपना, ये राइट। और एक तरीके से और इसको सोच सकते हो, इनकेस थोड़ा सोचना हो तो, इनकेस कोई बोले इसको, देखो क्या बोलते हैं, जो अपना लोड में जब भी चेंज होता है इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट रिजेक्शन। इसका मतलब, परफेक्ट रिजेक्शन का मतलब क्या हुआ, देखो इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, परफेक्ट रिजेक्शन। जब भी आप लोग रेगुलेटरी प्रॉब्लम की बात करते हो इसको बोलते हैं परफेक्ट रिजेक्शन। ठीक, इसको और भी हम लोग बोलते हैं परफेक्ट रिजेक्शन, परफेक्ट रिजेक्शन, परफेक्ट रिजेक्शन। आप लोग बुक वगैरह देखेंगे तो वहां पे एक टर्म लिखा होगा, क्या लिखा होगा, परफेक्ट रिजेक्शन। ठीक है, एक और टर्म लिखा होता है, क्या लिखा होता है, परफेक्ट रिजेक्शन। थोड़ा कलर चेंज करता हूँ और इसको इसको लिख लेना, इसको बोलते हैं परफेक्ट रिजेक्शन। और परफेक्ट, कोई भी डिस्टरबेंस हो रहा है उसको परफेक्ट कब रिजेक्ट कर पाएगा, जब उसके अंदर जो भी डिस्टरबेंस हो रहा हो वो जीरो कर दे। इसका मतलब जो भी उसके अंदर डिस्टरबेंस हो रहा हो, इस वाले पार्ट को आप डायरेक्टली भी जीरो कर सकते थे, इनकेस ऐसे थोड़ा सोच पा रहे हो तो। ठीक है, परफेक्ट रिजेक्शन का मतलब जो भी लोड के थ्रू आपका चेंजेस हो रहे हो, जो भी लोड के थ्रू आपके डिस्टरबेंसेस हो रहे हो, वो शुड भी क्या होना चाहिए, जीरो। तभी आप इस कंट्रोलर को बोल पाओगे परफेक्ट रिजेक्शन। और परफेक्ट रिजेक्शन उसी केस में बोलते हैं रेगुलेटरी प्रॉब्लम में, तो इस तरीके से भी देख सकते हो। यस, ये बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, बिल्कुल है कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं इस वाले पार्ट को। ठीक है, बिल्कुल सरल सा है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाओगे, मुस्कुरा के इसका कॉन्सेप्ट सीख लोगे। ठीक है, अदरवाइज फिर इसी चीज़ को पता बड़ा हुआ हो जाता है, लगता है कि क्या चल रहा है, कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल है, कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से प्रोसेस को फॉलो करोगे ना तो चीज़ें समझते चले जाओगे। चलो अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। सारे लोग रेडी हैं, क्वेश्चन दिया जाए क्या, एवरीवन आर रेडी? ये बिल्कुल आ गया ना समझ में, पहले ये बताओ, ये यहाँ तक बिल्कुल पार्ट आ गया ना समझ में, परफेक्ट रिजेक्शन का मतलब दिस टर्म विल बी जीरो। ठीक है, आप लोग यहाँ तक बिल्कुल रेडी है ना प्रॉपर तरीके से? चलो बिल्कुल आ गया समझ में एक बार बेहतरीन तरीके से, यस राइट, बिल्कुल प्यार से आ गया बिल्कुल समझ में, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक, चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, क्वेश्चन देता हूँ, सारे लोग रेडी हैं? चलो आप गलत मत करना, ठीक है, अब गलत मत करना, क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, अब ये क्वेश्चन गलत मत करना। ठीक है, सीख गए हो, अब करके देखो। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ये ऑलवेज केस में होगा, देख लो मैंने बताया ना कि ट्रांसफर फंक्शन आपको बना के वो लोग देंगे। ठीक है, ये आपका क्या देंगे, ब्लॉक डायग्राम आपको बना के देंगे, आपको यहाँ पे जीएफ की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो जीएफ की वैल्यू निकाल दो परफेक्ट के लिए। ठीक है, जब भी आप परफेक्ट फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर के लिए जीएफ की वैल्यू निकाल दो, चलो करो जरा। रेडी है बिल्कुल, चलो ट्राई करो सारे लोग पहले प्रॉपर तरीके से। यस, थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, पे जाएगा नहीं। आपने, आपको वो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा होगा, राइट, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा होगा आपको, इसको क्रॉप कर रहे थे तब तो फिर वहां पे लेकर जाए। ठीक है, दो मिनट में जल्दी से करना है, या तो फिर मैं इसको क्रॉप करके आपको दिखाऊं। क्वेश्चन आप लोग बोर्ड से देख रहे होगे, क्वेश्चन आप लोग बोर्ड से देख रहे हो, जल्दी कर लो। लवली,
ट्राई करेंगे सारे लोग अपने भी आप पे। डन, किसी का बना? कोई ऐसा विद्यार्थी जिसकी बात बनी हो? ये वाले क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं आईपीसी में, बता रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कंट्रोलर, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके सस्टेन करते हैं, जो प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन बचते हैं ना कि एक सब्जेक्ट में मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, या सर इस वाले सब्जेक्ट में सब कुछ तो ठीक है, मुझे सिर्फ इस वाले पार्ट में कमी लग रही है, तो वो उस वाले पार्ट की ये बात मैं कर रहा हूँ। इस वाले पार्ट में बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरी रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेरी रहती है कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते, तो ऐसे बना लो सारे लोग अच्छे से। ये ऐसा जोन है पूरे आईपीसी का। डन, चलो हो सकता है ऑप्शन में इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो, देख लेते हैं, देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, नहीं मैच कर रहा है, हो सकता है थोड़ा हो सकता है मैच ना कर रहा हो, क्योंकि 2014 का है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन होगा तो एक बार मेरे को बता देंगे क्या करेक्शन करना है ऑफर में, अभी हम देख रहे हैं, जो भी आंसर आ रहा है देख लेंगे, हो सकता है सही हो। चलो तो सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्या सॉल्व करना स्टार्ट करें? यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, इतने बीच में सारे लोग साथ देंगे, यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा, ठीक है सारे लोग थोड़ा केयर करना, और मैं ट्राई करूंगा कि इसी बीच में सॉल्व कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो अपन को यार लूप सॉल्व करना आना चाहिए, तो लूप सॉल्व करना मैंने आपको तरीका सिखा दिया है। भैया मुस्कुरा के डीएस इधर आएगा कि नहीं, सर लोग पहले ये बताओ, डीएस अपना इधर भी जाएगा और डीएस अपना इधर भी जाएगा, सर लोग बताओ इस बात से, सर लोग पहले सहमत हो जाए, डीएस अपना इधर जाएगा, जितना सिग्नल इधर जाएगा उतना ही सिग्नल इतना, सिग्नल कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, इस लाइन को मैं 50 बार कम से कम तो बोल ही चुका हूँ। चलो लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, और ये आपका आउटपुट है, ठीक है, ये आपका आउटपुट है, बाई आउटपुट ले लो, लिखते चले जाओ। तो क्या होगा आपका, डी बार इधर जा रहा होगा, तो मैं लिखूंगा डी बार ऑफ एस इंटू जी एफ इंटू जी एफ, जी एफ ही निकालना है, ये क्या है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन है, देखो है परफेक्ट फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर, जी एफ लिखा हुआ है, इंटू जी पी इंटू जी पी, ठीक है, इंटू जी पी, प्लस का लगा है साइन, यहां पे भी प्लस, ऊपर से कितना आ रहा होगा, ऊपर से कितना आ रहा होगा, डी बार ऑफ एस, डी बार ऑफ एस मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, जी डी के साथ, जी डी ऑफ एस इक्वल टू आउटपुट निकल जाएगा, चलो मैं इसको आउटपुट माने ले रहा हूं, ठीक है आउटपुट माने ले रहा हूं, राइट, चलो डी बार और ये कॉमन ले लो, डी बार कॉमन ले लेंगे तो बहुत ध्यान से देखेंगे, डी बार ऑफ एस कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, जी एफ जी पी, ठीक है, और प्लस का क्या बचेगा, जी डी बचेगा, राइट, और ये क्या हो जाएगा, वाई आउटपुट, ठीक है। अच्छा परफेक्ट आपका, यस जी डी ये है और जी पी ये है, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द परफेक्ट फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर का जब भी आपको निकालना हो तो हमेशा किसकी प्रॉब्लम निकालेंगे, रेगुलेटरी की, अभी मैंने लिखा था ना, जब भी आपको परफेक्ट फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो हमेशा किसकी प्रॉब्लम निकालेंगे, रेगुलेटरी प्रॉब्लम, ठीक है। तो रेगुलेटरी प्रॉब्लम के लिए आप क्या करते हैं, इस वाले अंदर वाले पार्ट को क्या करते थे, जीरो, अंदर वाले पार्ट को क्या करते थे, जीरो, क्यों जीरो करते थे, मैंने पीछे आपको बता रखा है क्यों जीरो करते थे, ठीक है। चलो तो ये अपनी बात आ जाएगी, तो मैं इसको यहां पे लिखूंगा, तो यहां से अपन को जीएफ चाहिए, ठीक है, अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, जीएफ की, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है जीएफ, तो जीएफ की वैल्यू चाहिए, तो जीएफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीएफ इक्वल टू आ जाएगा माइनस का जीडी अपॉन जीपी, माइनस का जीडी अपॉन जीपी, यहां तक सारे लोग पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, अब जो वैल्यू दी गई है वो रख लो, पहले ये बताओ सारे लोग यहां तक पहुंच पा रहे हैं, यस और नो, सारे लोग पहले यहां तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, बोलो सारे लोग यहां तक पहुंच गए, बस यहां तक पहुंच गए समझ लो काम आ जाए, काम हो जाएगा, पहले यहां तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां तक पहुंच गए तो अब जीडी और जीपी की वैल्यू रख दो, तो जीडी ये है तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये क्या लिखा है, फाइव अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर, ये तो लिखा है फाइव अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा है, ये फाइव अपॉन एस प्लस वन लिखा हुआ है, तो जी डी अपॉन जी पी करेंगे तो फाइव फाइव भी कैंसिल आउट हो जाएगा और एस प्लस वन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का वन अपॉन एस प्लस वन बचेगा, इसका मतलब यहाँ पे फाइव नहीं होना चाहिए,
यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये सिंपली जो बच रहा है जी एफ इक्वल टू बच रहा है माइनस का 1 अपॉन एस प्लस 1 बच रहा होगा। सर लोग जरा देखो इतना बच रहा है क्या, माइनस का 1 अपॉन एस प्लस 1 बच रहा होगा, क्योंकि इसको जी डी को डिवाइड करोगे किससे, जी पी से, तो 5 अपॉन एस प्लस 1 यहाँ है और 5 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर ये, तो सब कुछ कटपिटा के ये जो माइनस साइन आगे लगा हुआ था वही वाला माइनस आ जाएगा और एस प्लस 1, तो यहाँ पे इसका मतलब 5 नहीं होगा। ठीक है, तो सारे लोग यहां तक पहुंच पा रहे हैं, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। आंसर विल बी सी पार्ट। ओके, सारे लोगों से बात बनी प्रॉपर तरीके से, कोई ऐसा विद्यार्थी जिसकी बात ना बनी हो यू कैन आस्क। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सारे लोगों की बात बनी क्या? यस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इसी के आएंगे। यस यस, यू कैन एज्यूम ये वाई एस पी इज नॉट गिवन, यू कैन एज्यूम। ठीक है, और कहीं पे भी परफेक्ट वर्ड लिखा हो तो परफेक्ट वर्ड तभी बोलते हैं, तो इसका मतलब रेगुलेटरी प्रॉब्लम है। ठीक है, डिस्टर्बेंस में बिल्कुल आपका चेंज नहीं आएंगे। सर्वो प्रॉब्लम बोलता तो इसका फिर ये चेंज सेटअप चेंज करता, सर्वो प्रॉब्लम बोलता तो ये क्या करता, सेटअप को चेंज करता। ठीक है, थोड़ा ये मतलब इसने लोड के लिए ही बात की है, और एक्चुअली जो फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर पढ़ते हो वो लोड के लिए ही पढ़ते हो कि लोड की वजह से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसको कंट्रोल करते हो बेसिकली। ठीक है, सर्वो के लिए हम लोग पढ़ते नहीं है, सर्वो के लिए फिर तो आप लोग शुरुआत में तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, जो सराउंडिंग से जितने भी डिस्टर्बेंस आ रहे हैं उन्हीं को आप लोग कंट्रोल करते हो, ऐसा कंट्रोलर आपको डिजाइन करना है, तो बेसिकली आप लोग उसी की बात ही कर रहे हो। ये थ्योरी ही लोड के लिए ही है एक्चुअली। सर आप होते तो क्वेश्चन में और क्या नहीं देता, मैं इसको कॉम्प्लेक्स कर देता। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स कर देता कि ये इतनी आसानी से ना ये वाली तुम लाइन लिख पाओ। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये वाली लाइन इतनी आसानी से ना लिख पाओ, क्योंकि ये वाली लाइन आपने बड़ी आसानी से लिख दी। राइट, ये वाली लाइन आपने इतनी मुस्कुरा के लिख दी, इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, कॉम्प्लेक्स कर देते इनकेस ये वाला सिस्टम, तब फिर यहां से मैं ये चेक कर लेता कि आपको लूप सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है। राइट, तो ये वाला पार्ट आप लोग मजबूत कर लो और मजबूती के साथ आगे बढ़ो। ठीक है, ये वाला पार्ट यस सर आपका बना। आप बनाओ हम बनाते हैं। सॉल्व लूप करना पड़ेगा आपको, क्या डिमांड है क्या आप लोगों की, बनाया जाए क्वेश्चन, डिमांड है क्या आप लोगों, बताओ फिर सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा फिर। चलो फिर कभी देख लेंगे। ठीक है, न्यू दे दो, कभी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम हो गया है। ठीक है, फिर टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको थोड़ा बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसको टाइम लग जाएगा, अदरवाइज मतलब फंडा वही है, लूप सॉल्व करना आना चाहिए कैसे भी करके, अल्टीमेटली आपको लूप सॉल्व आना चाहिए, एक तगड़ी बात हो जाए। चलो भाई कर ही देते हैं यार ऐसे क्या। ठीक है, फिर लूप सॉल्व करना पड़ जाएगा आप लोगों को, और कुछ नहीं, लूप सॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक है, इसे पहले कैंसिल करो, लूप सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं, वन मोर। चलो भाई हो जाए, लेकिन जल्दी करना। ठीक है, कुछ नहीं, लूप में जितना कॉम्प्लेक्स कर सकते हो उतना कर दो, लूप में कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा।
बस एक मिनट का टाइम दे दो, ठीक है? थोड़ा थोड़ा हल्का सा टाइम लगेगा बस। ठीक, ठीक है? और इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी, इजी है, इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्लस हैं, ये ध्यान रखना, दोनों प्लस हैं। ओके, दोनों प्लस हैं। नहीं नहीं सरल है, बिल्कुल हो जाएगा, सरल है, हो जाएगा। ये जीडी का मैंने ट्रांसफर फंक्शन दे दिया है, ठीक है? ये जीडी का ही ट्रांसफर फंक्शन दे दिया है, इजी है, कर लोगे। ऐसे मैंने लूप सॉल्व करवाए हैं आपको क्लास में, ऐसे मैंने लूप आपको सॉल्व करवाए हैं क्लास में, ऐसे मैंने लूप आपको सॉल्व करवाए हैं, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबको देखो सरल वैल्यू दी है, जब भी इसका मल्टीप्लाई करोगे ये वन अपॉन एस प्लस वन है, यहाँ पे एस प्लस वन है, इजीली तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो एस वाई फोर है, यहाँ पे फोर वाई एस है, जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो कट के, सिर्फ मैं चाह रहा हूँ आपसे आप लूप सॉल्व करना आना चाहिए। ये देखो फोर वाई एस है, मैंने वैल्यू इसी वजह से ऐसी दी है, ये एस वाई फोर है, तो जब भी मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वन अपॉन एस प्लस वन है, ये एस प्लस वन लिखा है, इसका जैसे इसमें मल्टीप्लाई डालोगे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वन अपॉन एस है, ये टू वाई एस है, जब भी इन दोनों का कहीं पर रास्ते में मल्टीप्लाई पड़ेगा तो एस एस इजीली तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत ही सरल सा है, मतलब कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, बस लूप सॉल्व करना है, ठीक है? लूप सॉल्व करना है और सिंपल आपको जीएफएफ की वैल्यू बतानी है, ठीक है? परफेक्ट रिजेक्शन के लिए सॉल्व करना है, परफेक्ट रिजेक्शन के लिए सॉल्व करना है, परफेक्ट रिजेक्शन के लिए सॉल्व करना है, ठीक है? सारे लोग ट्राई करना, सारे लोग ट्राई कर सकते हैं, घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है? सारे लोग ट्राई कर लेना अपने घर पे, ओके? और मेरे को ग्रुप में, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, एक जन कोई प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके इसको भेजना, ठीक है? एक लोग कोई प्रॉपर तरीके से अच्छे से सॉल्व करना और इसको भेजना, ओके? सारे लोग एक लोग प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेना और भेजना,
ठीक है, थोड़ा ट्राई करना, बस लूप सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, ठीक है, जस्ट लूप आपको सॉल्व करना आ गया तो फिर बन जाएगा, लूप सॉल्व करना है और कुछ नहीं विषय, ठीक है। तो एक लोग प्रॉपर तरीके से देखना इसको, करना सॉल्व करना। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और जीएफएफ की वैल्यू बतानी है, तब आप सॉल्व करेंगे ना, देख रहे होगे अंदर कितनी सरल सी वैल्यू दी है, बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं लगेंगी, बिल्कुल सरल सी। मतलब मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि कठिन वैल्यू दे देते, मेरा उद्देश्य ये था कि आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है लूप सॉल्व करने का। इनकेस आपको कॉन्सेप्ट सही से आता होगा लूप सॉल्व करने का तो आप इजीली तरीके से कर लेंगे, तो आप इजीली तरीके से कर लेंगे। लूप नहीं सॉल्व करना आता होगा तो फिर फंस जाएगा, ठीक। बस इंपॉर्टेंट बात है लूप सॉल्व करना, तो ये हो गया, फाइन। सारे लोग कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देना, मैं चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। सारे लोग ऐड तो होंगे ही। चलो अब मैं नेक्स्ट बात करूं यहां से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर आज खत्म होता है। एक और स्ट्रेटजी आपकी बची हुई है, एक और आपकी बची हुई है, ठीक है, एक और बचा हुआ है आपका, यस, कैस्केडिंग कंट्रोल। एक लास्ट लेक्चर और लेंगे हम लोग, किस पे लेंगे, बेस्ड ऑन कैस्केडिंग। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं, कल क्लास नहीं होगी, ठीक है, पहले सुन लो, कल आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक। अब क्लास होगी आपकी संडे को, संडे को जो क्लास होगी वो बहुत तगड़ी क्लास होगी, आपको मैं बताऊं तो इसमें मैं इंट्रैक्शन सेशन लेने वाला हूं विद बार्क साइंटिस्ट, ठीक है। इसमें जो बार्क के साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, आपको दो लोग मिलेंगे, ठीक है, उनके साथ मैं प्रॉपर तरीके से डिस्कस करूंगा, जो करंट ये प्रेजेंट हैं बार्क में, ठीक है, दो लोग प्रेजेंट हैं बार्क में, उनके साथ ये इंट्रैक्शन सेशन रहेगा। ये इंट्रैक्शन जो सेशन रहेगा ये रहेगा भैया संडे को, ये रहेगा संडे को। हो सकता है आज आपको शाम तक मैं लिंक प्रोवाइड कर दूं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, आपको हो सकता है शाम तक मैं संडे को आपको लिंक, संडे को सेशन होगा जिसकी टाइमिंग रहेगी 1 से 2 PM, 1 से 2 PM, तो आप लोग एक बार अलार्म लगा लेंगे और मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सारे लोग संडे से पहले सैटरडे को, सारे लोगों के स्टेटस लग जाना चाहिए, ठीक है, सारे लोगों के स्टेटस मुझे दिखने चाहिए, ठीक है। ये वाला सेशन जरूर लगा लेना, संडे को होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। और अभी आपका बार्क आएगा 3 से 4 दिन बाद, तो प्रॉपर तरीके से कैसे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है, जो करंट में बार्क में प्रेजेंट है, ठीक है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। ये आपकी टाइमिंग रहेगी भैया, यस, टाइमिंग संडे 1 से 2 PM, जो अपनी ये क्लास चलती है इसी टाइम पे मैंने रखा है, ठीक है, अपनी जो ये क्लास चलती है इसी टाइम पे रखा हुआ है। और जो ये वाला सेशन होगा ये होगा 20 सितंबर को, लास्ट लेक्चर आपका होगा कैस्केडिंग का, ये लास्ट लेक्चर होगा आपका कैस्केडिंग का, यस यस। मैं आपको लिंक दे दूंगा, लिंक अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आज शाम तक आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरेक्टिव सेशन होगा प्रॉपर तरीके से 1 से 2 बजे के बीच में, राइट। अब आपका ये फीड फॉरवर्ड खत्म हुआ, कंट्रोलर ट्यूनिंग खत्म हुई, ठीक है, एक पार्ट सिर्फ बचा हुआ है कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटजी, एक पार्ट आपका बचा हुआ है कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटजी, ठीक है, ये हम लोग कवर कर लेंगे मंडे को। कल संडे को आपकी क्लास नहीं होगी, इनकेस आपको देखना, मैं इनकेस चाहूंगा तो एक ऐप पे आप लोगों को सेशन मिल जाएगा, ऐप पे 1 से 2 बजे के बीच में सेशन मिल जाएगा, मिलेगा तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है भैया, प्लस वाले बच्चों के लिए डिस्टिलेशन चल रहा है, तो जो लोग भी प्लस के साथ मूव करना चाहते हैं वो डिस्टिलेशन के साथ अभी मेरे साथ मूव कर सकते हैं, यहाँ से प्रॉपर तरीके से आप लोग इंजॉय करेंगे, ठीक है, यस। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लो ना। अब मैं यहाँ से जस्ट बताऊँगा, बहुत ध्यान से देखना, एक और ये इन्फॉर्मेशन, अभी देखो जिन लोगों को लगता है कि यार ये स्पेशल देखो रिड्यूस कर दिया गया है आपका अराउंड 19%, ठीक है, तो आप 10% आपको मिल दे रहा है अनअकैडमी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड 10% आप मेरा कोड यूज करेंगे MR100, तो आप लोग कोड MR100 कोड यूज करना है प्रॉपर तरीके से यहाँ से मूव कर सकते हैं। और इनके 6 महीने के लिए ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे भी आपको 10% प्लस 10% वाला ऑफर अवेलेबल है, तो इसके साथ आप लोग प्रॉपर तरीके से चाहें तो मूव कर सकते हैं। ये भैया आज है लास्ट डे, फिर इसकी ऐसा ऑफर आप लोगों को दोबारा देखने को भी जल्दी तो नहीं मिलेगा, ठीक है, जल्दी तो नहीं मिलेगा, टाइम निकलता चला जाएगा जब तक पता चला मास ट्रांसफर का डिस्टिलेशन हो गया खत्म, ठीक है। तो इनकेस डिस्टिलेशन जब तक चल रहा है तो इस ऑफर का फायदा उठा के आप एटलीस्ट ज्वाइन करो और 6 महीने का लो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको काफ़ी कम में पड़ जाएगा ये, तो आप ले सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ही ऑफर है, और डिस्टिलेशन भैया आप लोगों को पढ़ना है तो अभी डिस्टिलेशन एक लेक्चर हुआ है, उसमें मैंने सिर्फ आपको बेसिक्स बताए हैं, ठीक है, आज भी आपका बॉइलिंग पॉइंट कर्व चलेगा,
ठीक है, अभी कल से आपका डिस्टिलेशन स्टार्ट होगा। आज भी मैं पूरा बॉलिंग पॉइंट डायग्राम वगैरह बताऊंगा, प्रेशर का इफेक्ट बताऊंगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, आप लोग शाम को देखेंगे। ठीक है, तो जिसकी टाइमिंग रहती है 7:30 बजे। ओके चलो, इसके बाद जस्ट मैं बात करूं, ये हो गया, ये हो गया, ये अपनी इन्फॉर्मेशन हो गई। अभी आने वाले टाइम पे और प्राइस हाइक हो जाएगी, तो उससे भी आप लोग बच सकते हैं। एंड ये मास ट्रांसफर आपका जो चल रहा है शाम को, जिसकी टाइमिंग है 7:30 PM, जिसकी आपकी टाइमिंग कितनी है 7:30 PM, तो प्रॉपर तरीके से मिलिए और आप लोग कोड यूज करना MR100। राइट, चलो इसके बाद जस्ट मैं बोलूँ कि फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे देखो फीस स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। ठीक है, तो हर जगह आपका 10%, 10%, ये 10% ऑफ का है, 10% आपको करंट में चल रहा है वो और मिल जाएगा, जिसकी लास्ट डेट आज है सिर्फ। ठीक है, लास्ट डेट सिर्फ आज है गुरु। नाउ दिस इज द फॉर आइकोनिक, आइकोनिक के लिए आप लोग 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ के लिए जा सकते हैं। एंड दिस इज द आस्क एनी डाउट, यू कैन अल्टीमेट आप डाउट पूछ सकते हैं। तो दिस इज द गुड फीचर, दिस इज द लाइव मॉनिटरिंग प्रोडक्ट आप लोगों जिनके लिए जो यस आइकोनिक से जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आप लोग इसका भी एडवांटेज उठाएंगे। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच। ठीक है, आप लोग जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, दे कैन लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन, ठीक है, टू योर जूनियर्स। आप अपने जूनियर तक ये बात पहुंचा दो कम से कम। और आईपीसी का एक लेक्चर और बचा हुआ है, ठीक है, उसको भी हम लोग इसी अंदाज से पढ़ेंगे। आप लोग देख रहे होंगे जो लास्ट में है, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी, लास्ट में भी मैं प्रॉपर तरीके से आराम आराम से एक एक टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ, सो दैट ये वाला पार्ट अच्छे से आपका कवर हो जाए, क्योंकि टॉपिक वाइज चलाना बहुत इंपॉर्टेंट। अदरवाइज एक ही बार में कंट्रोल एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी खत्म की जा सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने कहा अब इतना लेकर आए हैं तो एक दिन और एक्स्ट्रा से, लेकिन चीज़ें तो एटलीस्ट अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय करो, पढ़ते रहो और मस्त तरीके से मोटिवेटेड रहो। ठीक है, कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, इस वाली जर्नी को एंजॉय करना है। ठीक है, ये प्रिपरेशन भी एक लर्निंग वाला मोड है। ठीक है, लाइफ में बहुत सारे काम आएंगे, तो आपको ये भी एंजॉय करो, इसको एंजॉय करते हुए स्टडी करना है और प्रॉपर तरीके से आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।